हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट इनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। दे मेक इट पॉसिबल टू मेक डिसीजन टू परफॉर्म टास्क रैपिडली और टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ कोड टू अनदर। अब जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करती है कि हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका एग्जांपल है, जिस तरह से हमारे पास मेन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस है बहुत सारी। तो जब भी हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो जो हमारा कंपाइलर है वो वन बाय वन जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। तो अगर मैं चाहती हूँ मैं इंस्ट्रक्शन वन के बाद इंस्ट्रक्शन थ्री में चली जाऊँ, मैं इंस्ट्रक्शन टू को स्किप कर दूँ, तो उस चीज़ में मेरी जो हेल्प करती हैं वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्दर टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो हमारी फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकंड सिलेक्शन स्टेटमेंट, थर्ड इज आइट्रेशन स्टेटमेंट, फोर्थ इज जंप स्टेटमेंट। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन प्रोग्राम लैंग्वेज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बेसिकली जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को बताती है कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्या रिजल्ट आएगा। देन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन सी आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है उसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, इट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। हमारे पास जितनी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो हमारी इफ स्टेटमेंट है वो सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरी इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारे जो इफ स्टेटमेंट के बाहर जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। नीचे इसका सिंटेक्स है, इफ कंडीशन देन कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट पेज में इसका एग्जांपल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h जो हमारी हेडर फाइल है, देन हमारा इंट मेन जो हमारा मेन स्टार्ट होगा, इंट आई इक्वल्स टू 10। हमने एक आई वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसकी हमने इनिशियल वैल्यू 10 दे दी है। देन मेरी इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट मेरी कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 15। इट मीन्स हमें क्या लिखना है, आई की वैल्यू क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 15, जो कि क्या है मेरी फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन थी वो फॉल्स होगी तो मैं उसकी स्टेटमेंट को नहीं डिस्प्ले कराऊंगी। जो इफ कंडीशन के बाद मेरी स्टेटमेंट होगी वो डिस्प्ले होगी, तो वो हमारी क्या होगी स्टेटमेंट प्रिंट एफ में, आई एम नॉट इन इफ। देन नेक्स्ट है हमारी इफ एल स्टेटमेंट, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू इफ स्टेटमेंट। इन दिस वन ऑफ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती थी तभी हमारी स्टेटमेंट क्या थी वो डिस्प्ले होती थी, बट इफ एल्स में क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो फॉल्स कंडीशन होने पे भी मेरे पास एक स्टेटमेंट होगी, जो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम वो सेकंड वाली जो है स्टेटमेंट डिस्प्ले कराएंगे। इसका एग्जांपल, इसका सिंटेक्स है, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। फर्दर एग्जांपल है एल्स का, ये प्रोग्राम है टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो सबसे पहले हेडर फाइल जो हमारी बेसिक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन हमारा मेन, देन हमने एक सिंगल नंबर को फाइंड करना है, तो हमने एक ही वेरिएबल लिया है एन यू एम नंबर के लिए, वो इंटीजर डेटा टाइप का है। सबसे पहले प्रिंट एफ, प्रिंट एफ वो है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर एन इंटीजर, स्कैन एफ वो है जो हमारा कंप्यूटर रीड करेगा, उसने नंबर वैल्यू पिक कर ली, एंड ऑपरेटर, एंड इज फॉर एड्रेस ऑपरेटर, परसेंटेज इस हम स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये बताएगा कि ये डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है। एंड देन हमारी इफ कंडीशन है, इफ नंबर मॉडुलस ऑफ टू इक्वल टू जीरो, जब मॉडुलस आता है तो हमें रिमाइंडर वैल्यू मिलती है। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टू उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो ही रहेगा। तो अगर मैंने नंबर
टू लिया है तो टू मॉडुलस ऑफ टू इज ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा कि जो हमारा नंबर है वो इवन है। अगर मैं इनपुट में थ्री नंबर लूँगी तो थ्री मॉडुलस ऑफ टू रिमाइंडर इज वन, इस केस में मेरी कंडीशन फॉल्स होगी और जो हमारा आंसर डिस्प्ले होगा वो आएगा नंबर इज ऑड। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो मेरी इफ स्टेटमेंट होगी उसके इनसाइड एक और इफ स्टेटमेंट होगी। इस तरह से नेस्टेड इफ होती है। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन वन एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन टू एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन टू इज ट्रू। ये फर्दर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी नेस्टेड इफ किस तरह से काम करती है। नेस्टेड इफ का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये प्रोग्राम लिया है, हमें तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। अब हमें तीन नंबर में से सबसे बड़ा फाइंड करना है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो बाकी के दो नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी हटर फाइल्स है, देन हमारा मेन है, देन हमने तीन वेरिएबल लिए हैं एन वन एन टू एन थ्री डबल डेटा टाइप के। फिर हमने उन वेरिएबल्स को एंट्री कराई है, एंटर थ्री नंबर। अब मेरा डेटा टाइप डबल है तो मेरा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो है एलएफ और एंड एड्रेस है, तीन जगह पे तीन वेरिएबल एंटर हुए हैं तो तीन अलग अलग एड्रेस ऑपरेटर्स हैं। अब मैं चेक करूँगी इफ एन वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू, मेरा नंबर वन जो है वो नंबर टू से बड़ा है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं उसको नंबर थ्री से भी चेक करूँगी, ठीक है। बट अगर मेरी पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है तो मैं ये इफ चेक नहीं करूँगी, मैं एल्स में चली जाऊँगी। बट मेरी पहली कंडीशन करेक्ट हो जाती है बट दूसरी रॉन्ग हो जाती है, इट मीन्स मेरा एन थ्री जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्स। अब मैंने क्या कहा था, अगर हमारी पहली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो हम जो नंबर है एन वन छोटा हुआ तो एन टू को हमने कंपेयर करना है एन थ्री के साथ। अब एन टू ग्रेटर देन इक्वल टू एन थ्री हमने चेक करना है। अगर तो एन टू बड़ा हुआ तो एन वन से भी बड़ा है, एन थ्री से भी बड़ा है, तो एन टू हमारा सबसे बड़ा हुआ। बट अगर एन टू छोटा हो गया, इट मीन्स एन वन तो एन टू से छोटा है बट एन टू एन थ्री से भी छोटा हो गया, तो एन थ्री क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा हो गया। तो ये थी हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी डाउट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।